दोस्तों, अगर आप फेसबुक का पासवर्ड बिना ओटीपी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी जीमेल से अपना फेसबुक का पासवर्ड कोई और पासवर्ड कोई अलग कंपनी में या फिर आपने कोई और वेबसाइट पे अकाउंट बना के रखा है और उसका भी आपको पासवर्ड चाहिए तो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे लेना है। तो ये वीडियो पूरा देखना, कोई भी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है वो भी नहीं पता, या फिर इवन जीमेल आपको थोड़ा बहुत हिंट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नहीं पता तो भी आपके पास जितने भी जीमेल है वो वहाँ पे आपसे उसमें चेक करके आप अपना फेसबुक का और बहुत सारे वेबसाइट का पासवर्ड ले सकते हैं बिना कोई ओटीपी। तो ये वीडियो पूरा देखना, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है अपना पासवर्ड। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ से आपको फुल डिटेल आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। ऐसे वीडियो आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे और भी बहुत सारी कैटेगरी चैनल में मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो चल चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइस, आज के मोबाइल के स्क्रीन पे अब यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है हम कहाँ से करने वाले हैं। अब देखिए, आप क्या करते हो कि जब भी कोई आपका फेसबुक है या फिर जो भी आप सर्विस यूज़ करते हैं वो आप ज़्यादातर यहाँ पे आके आप काम करते हो। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ तो फेसबुक में जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ से फेसबुक, जैसे कि यहाँ पे मैं फेसबुक में जाऊँगा और लॉगिन वाले सेक्शन में पहले जाऊँगा और वहाँ से पासवर्ड फॉरवर्ड करूँगा। हालांकि अकाउंट मेरा लॉगिन ऑलरेडी, तो पहले इसको लॉग आउट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं यू लॉग आउट कर लेता हूँ और लॉग आउट करने के बाद जो आपको मैं दिखाता हूँ वो प्रोसेस ज़्यादातर आप लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लॉगिन अनदर अकाउंट पे जाते हैं और जैसे जाते हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम कोई भी ब्राउज़र में यूज़ करते हो ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। और आप अगर फेसबुक का पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे आप आके क्या करोगे, जाएंगे फॉरगेट पासवर्ड में और फिर जाके आप वहाँ से जो मोबाइल नंबर आपका जो लिंक है उससे फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे या फिर जीमेल लिंक है उससे करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ईमेल और नेम दोनों आ चुका है। तो ये ही तरीका आपके पास अवेलेबल है, अगर आपको जो मैं अभी तरीका बताने वाला हूँ वो आपको नहीं पता तो इस कंडीशन में आप यहाँ से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हाँ, यहाँ पे होने का चांस है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर वो है, जीमेल है, वो सब कुछ आपके पास है तो हो सकता है यहाँ से। बट अगर वो आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, जीमेल नहीं है, दोनों नहीं है आपके पास ओटीपी आने का कोई चांस ही नहीं है, ऐसे में आपका अकाउंट पहले आपने इस डिवाइस में लॉगिन कर रखा था और लॉगिन करने के बाद उस पासवर्ड को एक बार भी आपने सेव कर रखा था अपनी ब्राउज़र में, जब कोई भी आपकी जो जीमेल लिंक थी उस टाइम आपने फेसबुक के पासवर्ड सेव कर रखा था। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको थोड़ा समझा लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास दूसरा एक जीमेल यहाँ पे लॉगिन है तो यही जो ऊपर जो जीमेल है तो ऐसे ऑलरेडी जीमेल लिंक होगी और यहाँ पे जीमेल जैसे लिंक होगी तो वहाँ से इसी ब्राउज़र में आपने कभी भी फेसबुक पासवर्ड या फिर आपने लॉगिन कर रखा था पहले, जब आप पासवर्ड आपको याद था तो आप लॉगिन किया होगा, सेव कर दिया होगा। अब सेव किया है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या आता है आप देख सकते हो। इनसे बहुत सारी सर्विस मैंने इस जीमेल से ले रखी है तो सारे पासवर्ड यहाँ पर मिल जाते हैं। बट यहाँ से आपको नहीं देखना तो एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। अब सेटिंग वाले में ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो गूगल वाले सेक्शन में जाना है और इससे आपका पासवर्ड 100% मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मुझे उस फेसबुक का पासवर्ड मुझे याद नहीं था तो मैं क्या करूँगा, तो अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ उस जीमेल में जिस जीमेल से हमारा फेसबुक अकाउंट बना हुआ है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर आपने जिस फेसबुक अकाउंट में जीमेल से अकाउंट बनाया वो जीमेल आपको याद है या फिर आपके डिवाइस में लॉगिन है तो इससे आप ये कर सकते हो, आपका पासवर्ड मिल जाएगा। आप वो तरीका अपनाना चाहते हैं तो भी अपना सकते हो। अगर आपके पास जीमेल ही लॉगिन है तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जीमेल से पासवर्ड ओटीपी मंगवा के आप पासवर्ड नया बना सकते हो। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करनी है, जैसे कि फर्स्ट मैंने प्रोसेस बताई वैसी, तो फिर आपको यहाँ पे ऑटोफिल जहाँ पे है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोफिल विद गूगल पे जाना है और जैसे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आपकी ईमेल आ जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगा, एड्रेस, पेमेंट मेथड सब कुछ आ जाएगा और यहाँ पे जो पासवर्ड लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस जीमेल से जितने भी अकाउंट्स बने हुए हैं वो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरा फेसबुक भी है जो एक स्टडी की एक वेबसाइट मतलब एप्लीकेशन में मैंने लॉगिन कर रखा था, इसमें 2 अकाउंट्स है, इंडियन ऑयल का है फिर ओएलएक्स का है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे मैंने इस जीमेल से जितने भी अकाउंट्स बनाए वो लिस्ट में आ चुके हैं। अब एग्जांपल के थ्रू हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे ओपन करते हैं, अब यहाँ पर जो फ़ोन का पासवर्ड है उसको डाल देते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं।
अब जैसे नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक पासवर्ड जो यहाँ पे आपको देख सकता है, हालांकि आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको देखना है तो ये जो आँख वाला आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा है, हालांकि मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा लेकिन पासवर्ड दिख रहा है। अब इसको कॉपी करना है तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी कर लीजिए, कहीं भी पेस्ट कर लीजिए, या फिर जब भी आप कहीं भी लॉगिन करना चाहते हैं तो उसको लॉगिन कर लीजिए। तो यही तरीका आपको पासवर्ड ढूंढने का, अगर आपको फॉरगेट पासवर्ड से नहीं मिल रहा। तो दूसरा तरीका यहाँ पर मेरे पास इंडियन ऑयल है, OLX है, जैसे OLX को ओपन करते हैं तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट साइन इन विद गूगल कर रखा है, बट यहाँ से मैं अगर इंडियन ऑयल पर जाता हूँ तो भी सेम पासवर्ड यहाँ पर मिल रहे हैं, दो अकाउंट इस वजह से अलग अलग अकाउंट के पासवर्ड्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना जो पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। तो होप्स आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग, बाय।